हेलो दोस्तों, बैंकिंग अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज के करंट अफेयर्स की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये अपना पहला क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ अमेरिकन एक्सप्रेस फॉर इंडिया। अमेरिकन एक्सप्रेस एक कार्ड पेमेंट सिस्टम का पार्ट है, तो इंडिया के लिए किसको उसको CEO बनाया गया है? तो यह है संजय खन्ना। ओके, संजय खन्ना। अमेरिकन एक्सप्रेस एक ग्लोबल ब्रांड है, तो उसमें जो इंडिया का ऑफिस है उसके लिए इनको संजय खन्ना जी को CEO बनाया गया है इंडिया में। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट्स स्टार्टअप हब हैज़ बीन टाइड अप विद मेटा टू लॉन्च ए प्रोग्राम टू सपोर्ट एंड स्पीड अप द एक्सॉर टेक्नोलॉजी स्टार्टअप अक्रॉस इंडिया। सो यह है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने मेटा के साथ टाइड अप किया है टू सपोर्ट एक्सॉर टेक्नोलॉजी स्टार्टअप इन इंडिया। ओके, हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? तो यह है अश्विनी वैष्णव। ओके, अश्विनी वैष्णव। Which of the following banks has become the first bank in the country to launch the first electronic bank guarantee of India, eliminate the paper based and time consuming process? So ये है HDFC bank। okay, HDFC bank। HDFC bank का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा India's economic capital मुंबई। okay, मुंबई। रियल इस्टेट प्लेटफॉर्म स्क्वायर यार्ड हैज साइंड एग्रीमेंट विद विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक टू लॉन्च ए को ब्रांडेड होम बायर इको सिस्टम नेम्ड ओपन डोर। सो रियल इस्टेट प्लेटफॉर्म स्क्वायर यार्ड ने किस बैंक के साथ साइन करके ओपन डोर इको सिस्टम होम बायर लॉन्च किया है? तो यह एक्सिस बैंक। ओके, एक्सिस बैंक एंड स्क्वायर यार्ड जो रियल इस्टेट प्लेटफॉर्म है उसने एग्रीमेंट साइन किया है टू लॉन्च को ब्रांडेड होम बायर इको सिस्टम। ओके, जिसका नाम है ओपन डोर। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट डाटा द रिटेल इन्फ्लेशन हैज़ बीन सर्ज्ड फ्रॉम 6.71% इन जुलाई टू अगस्त। हाउ मच परसेंट? सो दिस इज 7% इन अगस्त, 7%। ओके, ए एन शमशीर हैज़ बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज द 24th स्पीकर ऑफ विच स्टेट असेंबली स्पीकर? सो यह है केरला। ए एन शमशीर रिसेंटली इलेक्टेड एज 24th स्पीकर ऑफ केरला असेंबली। ओके, बी सी सी आई अनाउंस विच स्टेट विल बी होस्ट रणजी ट्रॉफी मैचेस फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिसंबर 22। तो ये है सिक्किम। बी सी सी आई ने अनाउंस किया जो रणजी ट्रॉफी के मैचेस होते हैं, तो अभी तक तो सभी स्टेट में ऑर्गेनाइज किया जाता था, तो पहली बार किस स्टेट में किया जा रहा है? तो वो सिक्किम में किया जा रहा है। ओके, विच पावर कंपनी हैज़ बीन अपॉइंट प्रसाद के पनीखेर एज चेयरमैन? सो यह है नायरा एनर्जी। ओके, नायरा एनर्जी ने प्रसाद के पनीचर को चेयरमैन, अपना चेयरमैन अपॉइंट किया है। चीफ जस्टिस मुनीश्वर भंडारी अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ PMLA। सो मुनीश्वर भंडारी जी किस स्टेट के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं? तो यह है मद्रास हाई कोर्ट। ओके, मद्रास हाई कोर्ट। PMLA स्टैंड फॉर प्रिवेंटिव मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ओके, DBS पार्टनर विद सैंडबॉक्स टू लॉन्च DBS बेटर वर्ल्ड। तो DBS बैंक का हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? तो ये मिलेगा सिंगापुर। ओके, सिंगापुर में। वेयर वॉज द इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी सबमिट IDFWDS 2022 हेल्ड? सो ये हेल्ड हुआ है ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा इज अ सिटी, इज अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड दिस इज पार्ट ऑफ दिल्ली NCR। ओके, दिल्ली NCR। इंडिया रिसेंटली पुल आउट ऑफ विच पिलर ऑफ द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क? तो भारत ने इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के किस पिलर से पुल आउट किया है? तो यह है ट्रेड पिलर। ओके, ट्रेड पिलर से पुल आउट किया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड द सेंटर स्टेट साइंस कॉन्क्लेव वाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इन विच सिटी। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने सेंटर स्टेट साइंस कॉन्क्लेव किस सिटी में इनॉग्रेट किया है वाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग? तो है अहमदाबाद। ओके, गुजरात की कैपिटल अहमदाबाद। ओके,
इन द मेन्स कैटेगरी हु हैज लिफ्टेड 22 यूएस ओपन फाइनल टाइटल, सो ये है कैरलॉस अलकाराज ग्रेसिया। ये स्पेन के टेनिस प्लेयर हैं जिन्होंने यूएस ओपन का 2022 का खिताब जीता है। ओके, इंडिया एंड जापान 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग हेल्ड इन विच सिटी, सो ये ऑर्गेनाइज हुआ था टोक्यो में। 2+2 मिनिस्ट्रियल लेवल डायलॉग में डिफेंस मिनिस्टर जाते हैं और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जाते हैं। ओके, तो भारत के डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं सुब्रमण्यम जयशंकर साहब। ओके, सुब्रमण्यम जयशंकर साहब। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने इस आज 15 क्वेश्चन लिए हैं और मैं कोशिश करूंगा कि इसको 10 से 15 ही कर दिया जाए परमानेंटली। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। ओके, तो चलिए आज के वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, हैव एन ऑसम डे। थैंक यू।